कोविड-19 के नोडल अधिकारी व मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने शुक्रवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचालित कोविड की L3 फैसिलिटी की वर्तमान स्थिति, आउटसोर्सिंग से उपलब्ध मैन पावर, ऑक्सीजन की उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। बैठक में मंडलायुक्त ने पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज, विशेषकर ब्लैक फंगस के उपचार हेतु अलग वार्ड तैयार करने तथा इसके लिए OPD संचालित करने के लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित कराने के लिए कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित किया। मंडलायुक्त ने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि मंडल के सभी जनपदों में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए OPD संचालित किया जाए तथा चारों जनपदों के जिला अस्पताल के लैब पैथोलॉजिस्ट को ब्लैक फंगस की जांच के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रशिक्षण दिलाया जाए। इसके अतिरिक्त जनपदों के जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड वार्ड प्रारंभ करने हेतु तैयारी कर ली जाए। मंडलायुक्त ने बीआरडी के प्राचार्य से मानव संसाधनों एवं अन्य आवश्यकताओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद मंडलायुक्त ने वार्ड नंबर 1 में निर्माणाधीन 54 बेड के पोस्ट कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और ऑक्सीजन पाइपलाइन के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए कार्यदायी एजेंसी राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए। तत्पश्चात मंडलायुक्त द्वारा वार्ड नंबर 12 में क्रियाशील पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज IPD एवं ब्लैक फंगस OPD का भी निरीक्षण कर वहां समस्त तैयारियां करने के निर्देश दिए। इस मौके पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर पवन प्रधान, डॉक्टर रमेश गोयल, अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर राजकिशोर सिंह, डॉक्टर माहिम मित्तल एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, थोड़ा प्रेशर कम हुआ पेशेंट की वेटिंग का, पेशेंट के उसका वो होगा पेशेंट को बेड में जा रहे हैं तो उस तरह के और जो लेवल ऑफ क्रिटिकलिटी है उसमें तो कमी नहीं आई है, नंबर ऑफ पेशेंट्स में तो कमी आई है क्योंकि बेड्स अवेलेबिलिटी हो रही है, थोड़ा अर्ली पेशेंट्स एडमिट हो पा रहे हैं, ये फर्क है। तो हो सकता है आउटकम से इतना फर्क क्या, जैसे पहला इश्यू में बिना वेंटिलेटर की नीड नहीं है, हम लोग आइसोलेशन जल्दी शिफ्ट कर पा रहे हैं, तो आईसीयू में पेशेंट कम होगा तो डेफिनेटली थोड़े अर्ली पेशेंट्स हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका कुछ तो फर्क फिर आपके एडजस्ट पर पड़ेगा ना? हाँ सर, इवेंचुअली धीमे धीरे सिकर पेशेंट्स आएंगे तो जैसे फर्क आएगा, लेस सिकर पेशेंट नहीं लेना होगा, फिर थोड़ा टाइम लगता है जहाँ लेस सिकर पेशेंट के बारे में नहीं है मेन का काम वहाँ पे कहाँ आए नहीं ना क्या नहीं अभी नहीं आ पाए, वो उनका योजना कल उनको कहा था उसके जाने के, लेकिन आज आए नहीं, वहाँ चेकअप पे थे। और यहाँ पे एक पॉइंट लगवा रहे हैं, मशीन का पार्ट है, मशीन जाती ज़्यादा थे सर, ये मोस्टली मैक्सिमम लोग टेस्टिंग करते हुए वाइडनेस देते हैं, इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या चाहिए ऑक्सीजन पाइपलाइन तो और क्या बाकी तो मरीजों के विकास देंगे, हम लोग वेंटिलेटर के साथ रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का देख लिया, पावर बैकअप देख लिया, पावर बैकअप यहाँ पे हम प्रॉब्लम अच्छे देख से दिखा देंगे, यहाँ पे यहाँ चेक कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पर
तो सीएम सिक्योरिटी में देखा होगा कहाँ पर है डॉक्टर? सर ये सर अभी 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 तो हम लोग आज पर टाच कल से इसको टेस्ट में डाल रहे हैं। देखिए एक तो हमारी जो बीआरडी में फैसिलिटी चल रही है जैसा कि आपको पता है 500 बेड का एक कोविड फैसिलिटी चल रही है और एक वार्ड 11 में करीब 50 बेड की फैसिलिटी चल रही है। उसके कुछ इश्यूज थे हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। उसके साथ साथ पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें ब्लैक फंगस की बात है उसके बारे में डिस्कशन आज हम लोग ने किया और देखा है कि इनकी ओपीडी कहाँ चल रही है, वार्ड 12 में जो अभी आईपीडी चल रही है वो कैसी है और वार्ड 1 में हम परमानेंटली उसको बनाना चाहते हैं, उसकी निर्माण कार्य जो हो रहा है उसको भी देखा है और हम आशा करते हैं ये सारा कार्य जो भी चल रहा है वार्ड 1 का वो हम अगले सप्ताह में 3-4 दिन में कम्प्लीट कर लेंगे बुधवार बृहस्पतिवार तक और वहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देंगे। लेकिन तब तक जनमानस के लिए ये हमारा वार्ड 12 रहेगा और यहाँ पर ओपीडी रहेगी। हमारी जो मेडिसिन जो भी उसके लिए चाहिए वो भी हमारे पास है और हमें लगता है कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।